स्टूडेंट हिंदी पुस्तक वाटिका क्लास वन पेज नंबर 62। आज हम लोग ओ वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ए वर्ण और ए की मात्रा चिन्हों का प्रयोग करना सीखा कि व्यंजन में इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आज हम लोग ओ वर्ण और उसके चिन्हों को पहचानेंगे और देखेंगे कि इसका व्यंजन में किस प्रकार हम लोग प्रयोग कर इसका शब्द बनाते हैं। तो ओ वर्ण जो है इसका जो ये चिन्ह जो है इसकी मात्रा चिन्ह है और इसके द्वारा ही व्यंजन में इसका प्रयोग कर एक शब्द बनाते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे कुछ ओ वर्ण से कुछ शब्द बनाए गए हैं जिसको आज हम अभी पढ़ेंगे और आप इसे भी हमारे साथ दोहराएंगे। जैसे लिखा आ में ओ र ओर, आ में आ में ओ आओ, आ में ओ म ओम, आ में ओ अठा ओठ। इसी प्रकार कुछ और ओ वर्ण से कुछ शब्द बनाए गए हैं जो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पे ओ से क्या होता है ओखली, ओ से ओस, इस प्रकार ओ वर्ण से कुछ शब्द यहाँ पे बनाए गए हैं। उसी प्रकार ओ वर्ण के चिन्हों से इसकी मात्रा चिन्ह है इससे कुछ शब्द बनाए हैं जिसे मैं एक बार दोहराऊंगी, आप हमारे पीछे पढ़ेंगे। जैसे क में ओ ट कोट, ग में ओ द गोद, ग में ओ ल गोल, ढ में ओ ल ढोल, त में ओ प तोप, ख में ओ ल खोल, ब में ओ ल बोल, ग में ओ भ में बड़ी ई को भी, र में ओ ट में बड़ी ई रोटी, म में ओ त में बड़ी ई मोती, ह में ओ ल में बड़ी ई होली, ट में ओ प में बड़ी ई टोपी। इस प्रकार यहाँ पे ओ चिन्हों से कुछ शब्द बनाए गए हैं। किसी भी व्यंजन में हम ओ के को सीधे इस प्रकार नहीं लिखते हैं, उसके मात्र चिन्हों का प्रयोग कर हम शब्द बनाते हैं। जैसे म में ओ वर्ण ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके चिन्ह का प्रयोग कर हम शब्द बनाएंगे। यहाँ पे माँ में ओ र लगा दिया गया है तो क्या बन गया मोर। इस तरह घोड़ा जो यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं घोड़ा, उसमें घोड़ा में भी हम घ ओ अड़ा नहीं लिखेंगे, ये लिखने से गलत होगा। इसमें इसके मात्र चिन्ह का प्रयोग, मात्र चिन्ह है जिसको आप लोग को याद रखना है कि इसके ओ का मात्र चिन्ह क्या है। इसी प्रकार हम घ में ओ अड़ा अ तो ये शब्द क्या बन गया घोड़ा। यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़े, यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार तोता में ओ का मात्रा चिन्ह लगा के ये तोता शब्द बना, इसी तरह धा में ओ लगाकर यहाँ पे धोबी बना, इसी तरह बा में ओ की मात्रा चिन्ह लगा के बोतल बन गया, सम में मा में ओ की मात्रा चिन्ह लगा के ये समोसा बन गया। इस प्रकार ओ मात्रा चिन्ह का प्रयोग करके इतने सारे शब्द बनाए हैं। इसे भी आप अपने कॉपी में लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ दिया हुआ है समान आकार वाली वस्तुओं के स्टिकर चिपकाए, स्टिकर पुस्तक के अंत में है। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और ये चित्र में चिपकाने के लिए पीछे सबसे लास्ट पेज में कुछ स्टिकर दिए गए हैं जिसे आप यहाँ से निकालकर चिन्ह के आकार के अनुसार निकालकर यहाँ पे चिपका लेना है। यहाँ पे चिपकाकर आप बुक में से बनाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे क में ओ यल कोयल, ओ मात्रा चिन्ह से यहाँ पे एक शब्द बना कोयल और कोयल के द्वारा यहाँ पे एक छोटी सी प्यारी सी कविता दी गई है जिसे मैं पढ़ रही हूँ और आप इसे सुनेंगे। कोयल बोले मीठे बोल, कानों में मिश्री सी घोल, बात पते की हमें बताती, मीठी बोली सबको भाती। एक बार फिर से मैं ये कविता दोहरा रही हूँ। कोयल बोले मीठे बोल, कानों में मिश्री सी घोल, बात पते की हमें बताती, मीठी बोली सबको भाती। इस प्रकार ये कविता को भी आप अपने कॉपी में बनाएंगे और इसे याद करेंगे। इसी प्रकार कुछ यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, दिया है कि चित्रों में रंग भरे,
कोयल के चित्र को पहचान कर उस पर सही का निशान लगा। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, मोर है, तोता है और ये कोयल है। तो यहाँ पे सारे में इसमें रंग भरना है और जिसमें जो जिस चित्र में जहां पे कोयल है वहां पे सही चिन्ह लगाना। तो यहाँ पे चित्र में यहाँ पे जो पक्षी दिखा रही है क्या है, कोयल, तो यहाँ पे सही चिन्ह लगाएंगे और इसे आप अपने बुक में और इसे कॉपी में भी बनाएंगे। बच्चों यहाँ पे कुछ अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिस प्रकार पिछले ए और माता चिन्ह को हम लोग पढ़े थे उसमें जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए थे उसी प्रकार इसमें भी कुछ प्रश्न दिए हैं जिसमें वर्ण पहचानना है और उसमें गोला बनाना। इस प्रकार आप लोग ये सारे प्रश्न बुक की सहायता से बनाएंगे कॉपी में और बुक में, और पेज नंबर 66 में भी कुछ प्रश्न दिए हैं जिसमें ओ माता चिन्ह का प्रयोग करना है, सही माता चिन्ह का प्रयोग करना है कि यहाँ पे ओ की माता चिन्ह लगेगा उसको ये बनाना है, फिर शब्द को यहाँ पे जोड़कर यहाँ भरना है और चित्र देखकर इसका नाम लिखना है। ये सारे प्रश्न आपने कॉपी में और बुक में दोनों में बनाना है। इसे आगे फिर हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। धन्यवाद।